गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दवाओं की कालाबाजारी को लेकर कहा कि कीमत से अधिक दवाई बेचे जाने पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निजी अस्पतालों में भी लूटमार पर कार्रवाई की बात कही। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर उनको आड़े हाथों लिया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच दवाओं की कालाबाजारी बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दवा, ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर या अन्य किसी भी तरह की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कीमत से अधिक बेचने पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निजी अस्पतालों की लूट मार पर भी कार्रवाई की बात कही है। जिन अस्पतालों में अनियमितता पाई जाएगी, उन अस्पताल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ चाहते हैं सवाल पर ही बवाल हो जाए। कहीं भी कमलनाथ निकल कर नहीं गए, खुद कहीं भी कोई व्यवस्था कराई नहीं और सरकार से पूछते हैं, सरकार आंकड़े छुपा रही है। उन्होंने कहा 45,000 नए रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त हो चुके हैं। बंगाल में हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि बंगाल में जीत के जश्न पर हिंसा की जा रही है। ममता बनर्जी नाटक नौटंकी करके चुनाव जीती हैं और परिणाम आते ही व्हील चेयर से खड़ी हो गई। ममता की मूल प्रवृत्ति हिंसा है। पहली तो विभागीय बात यह है कि हमने स्पष्ट रूप से आज सारे थानों को इत्तला कर दी है और जनता को कोई भी ब्लैक मार्केटिंग करता मिले तो पड़ोस के थाने पर वो तत्काल फोन करे। ये जो ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, जो इस विपत्ति के समय संपत्ति की चिंता कर रहे हैं, उनको तत्काल थाने में करे और पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। तो ब्लैक मेलिंग सिद्ध होगी तो रासुका में कार्रवाई करके जेल भेजेंगे। सभी थानों को इसके लिए हमने अधिकृत कर दिया। ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या हमारे रेमडेसिविर इंजेक्शन है, मास्क है, सैनिटाइजर है, दवाइयां है, कुछ भी है। और एक समाज से मुझे मेरा आग्रह भी है, सरकारों की आलोचना करते हैं ठीक है, और ये हमारे बीच के ही लोग हैं। लोग आपत्ति विपत्ति के समय भंडार खोल देते हैं, अनाज खोल देते हैं, और ये इस समय भी माने एम्बुलेंस वाला भी भाव, तो इसलिए सख्त कार्रवाई की हमने आदेश दी। यहीं से रेट फिक्स कर रहे हैं, इससे ज्यादा अगर कोई भी होगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, कमलनाथ जी स्वयं नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी इकाइयां कमजोर हो गई हैं क्या गाँव की, बताएं, वो भी तो जानकारी ले लें। और एक आध जगह छुपाई है तो खुद ही चले जाए कि देखिए यहाँ की जानकारी छुपाई है। वही ट्वीट, वही मोबाइल पे बैठ के चर्चा, वही ट्विटर पे चर्चा, वही पेपर पे, आप लोग स्थान देते हो इसलिए है। इतना हमने आक्रमण ने विपक्ष कभी नहीं देखा। मध्य प्रदेश में, दिल्ली में भी बात कर रहा हूं, जो सिर्फ ट्विटर तक ही है, बार बार कहने के बाद भी ट्विटर तक ही है। सवाल को उठा रहे हो, वो चाहते हैं कि सवाल पर ही बवाल हो जाए। वो इसलिए संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री खुद लगे हुए हैं, रात 16-16, 18-18 घंटे काम करते हैं, मंत्री लगातार प्रवास कर रहे हैं, अधिकारी हमारे लगातार चिंता कर रहे हैं। आज हम ऑक्सीजन के क्षेत्र में हम सरप्लस हो गए, आज कहीं भी हाहाकार की स्थिति नहीं है। केसों के मामले में अब हमारी पूरी साइकिल बन गई है, चैन बन गई है। जितने केस निकल के आ रहे हैं 12,000 कुछ, तो हमारे 11,700 कुछ वापस डिस्चार्ज होके भी लगातार उतरे ही केस जा रहे हैं और भयावहता समाप्त हो गई है। पॉजिटिविटी रेट हमारी 85% के ऊपर चली गई है। आज हमारे जो 27 अप्रैल में एक्टिव केस जो थे वो 94,276 थे, आज 4 मई आते आते तक घट गए, 86,000 रह गए। ये अपने आप में एक आंकड़ा है। और हम देखें, आप अगर 4 मई को हम जो है ना 19% पे आ गए हैं, जबकि 15 दिन पहले यही हमारा जो था 26% तक पहुंच गया था पॉजिटिविटी रेट का, तो वो हमने पूरी की पूरी संभाल ली है। कल 66,000 हमने टेस्ट मध्य प्रदेश के अंदर किए, जो अपने आप में रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश के अंदर। अब हमारे होम आइसोलेशन में 61,653 केस बचे हैं
और ग्रामीण क्षेत्रों में भी होम आइसोलेशन में हमारे 99% मरीजों को किट दे दिए, हेल्थ के ब्रोशर दे दिए, घर घर उपलब्ध करा रहे हैं, दवाइयां घर घर उपलब्ध करा रहे हैं। 45,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने 24 घंटे में नए प्राप्त किए हैं प्रदेश के लिए, कि कोई भी दिक्कत किसी को नहीं आ जाए। 1,89,700 इंजेक्शन हम अभी तक खरीद के इनकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कि किसी को कोई इस तरह की दिक्कत ना आ जाए। आज प्रदेश को 497.8 मेट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त होने की पूरी संभावना है, जो आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आ जाए। निश्चित रूप से बंगाल में जीत की स्थिति देखिए, कि ये लोग जीत का जश्न जब कार्यालय को जलाकर, दुकानों को जलाकर, आदमियों को जलाकर मना रहे हैं एक प्रदेश की जीत का जश्न, इससे इनकी मानसिकता सब हम सबको सोचना चाहिए एक हिंसक प्रवृत्ति के लोगों के बारे में। पूरे देश को विचार करना चाहिए ऐसे लोगों को, जो चुनाव में नाटक नौटंकी करके, झूठ बोलकर, फरेब खोल के जीत जाते हैं, उनके बाद उनका असली चेहरा आता है। व्हील चेयर पे पूरे चुनाव पे घूमती रही, परिणाम आया तो खड़ी हो गई, फिर टांग टूटी नहीं थी, फिर कोई पलस्तर नहीं था। मूल स्वभाव हिंसा का है। आप जैसे ही अवसर मिला, प्रवृत्ति सामने आ गई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।